अंजू को पाकिस्तान में मिलेगी सरकारी नौकरी, जाने सीमा हैदर का क्या होगा। पाकिस्तान से सरहद पार कर आई सीमा हैदर और भारत से 90 दिनों के वीजा पर पाकिस्तान गई अंजू पर पाकिस्तान सरकार का रिएक्शन पहली बार आया है। पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया कि अंजू कानूनी रास्ते से पाकिस्तान में आई है। सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान सरकार का कहना है कि अब तक उसकी नागरिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी है क्योंकि भारत सरकार ने काउंसलर एक्सेस नहीं दिया है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि अंजू को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसका दावा खुद उसके प्रेमी नसरुल्ला ने भी किया है। अंजू और सीमा हैदर की प्रेम कहानी की चर्चा भारत के साथ पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि अंजू को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसका दावा खुद उसके प्रेमी नसरुल्ला ने भी किया है। अंजू के पति अरविंद का कहना है कि उसने मुझसे फ़ोन पर तलाक मांगा है और कहा कि बच्चों को अपने साथ पाकिस्तान ले जाना चाहती है। मेरे बच्चे उसके साथ पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। अरविंद ने यह भी कहा कि अब वह अंजू के साथ दोबारा संबंध नहीं रखना चाहता है। अंजू और नसरुल्ला के रिश्ते पर पाकिस्तान पुलिस ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय महिला ने नसरुल्ला से शादी कर ली है। इधर राजस्थान में रह रहे अंजू के पति अरविंद का कहना है कि उसने मुझसे तलाक मांगा है और कहा कि अब वह भारत नहीं आएगी और न ही साथ रहना चाहती है। अंजू के पिता ने भी बयान जारी कर कहा कि उसने जो किया है उसके बाद हमने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, बस हम उसके साथ अपना नहीं रखना चाहते हैं। पाकिस्तानी प्रवक्ता ममता जहरा बलोच ने कहा कि अंजू वैध दस्तावेज के आधार पर पाकिस्तान आई है, उसके पास अभी कानूनी दस्तावेज है। जहरा बलोच ने सीमा हैदर पर कहा कि भारत से हमें अभी तक काउंसलर एक्सेस नहीं मिला है और न ही अभी तक उनकी पाकिस्तानी नागरिकता की पुष्टि हो सकी है। ऐसे ही पल पल की छोटी बड़ी और देश विदेश के खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बैक टू बैक न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अपने राय कमेंट पर जरूर दें। सतर्क रहें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।